सोमवार को केंद्र सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी करके ऑनलाइन न्यूज पोर्टल, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर और इन सब को जो है वो सूचना मंत्रालय के तहत कर दिया है। अब जैसे कि पहले होता रहा है कि वेब शोज में बिना नियंत्रण के गाली गलौज या एडल्ट भाषा का इस्तेमाल हो जाता था, उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। और इसके साथ साथ अब जो सबसे बड़ी चीज है कि न्यूज पोर्टल जो थे, जिसको लेकर के कई तरीके के सवाल उठ रहे थे, अब सूचना विभाग के अधीन आ गए हैं और फेक न्यूज पर अब कार्रवाई हो सकेगी। ये सरकार का ये निर्णय या सरकार जिस दिशा में अभी जा रही है, अभी दिशा में कहना ही ज्यादा ठीक है, क्योंकि अभी कोई बहुत फ्रेमवर्क नहीं बना है, सिर्फ ये इस पे की काम, तो इससे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये स्वतंत्रता के, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, उस पे सरकार की एक दबाव डालने वाली कोशिश होगी। इस सब पूरे मामले पर बहुत ही गहनता से समझने वाले, समझाने वाले और देश के जाने माने चेहरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मीडिया के आशुतोष जी हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, नवोदय टाइम्स पंजाब की स्थिति से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आभार आपका कि आपने समय निकाला। आखिर ये सरकार को करने के लिए क्या जरूरत आन पड़ी, जो इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं वो किस हद तक सही जाते हैं? देखिए आपको जी, इस सवाल को दो तरीके से समझने की जरूरत है या इसको दो परिप्रेक्ष्य में रखने की जरूरत है। पहली बात पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल इस लिहाज से है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 15 सालों के अंतर्गत जो तकनीकी में जिस तरीके से विकास हुआ है और जिस तरीके से सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन के पूरी दुनिया में उभरा है, लोगों के बीच में बातचीत करने का, कम्युनिकेट करने का और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन के उभरा, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सएप हो या इस तरीके के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो पहले कभी नहीं थे। अब इन प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरीके से लोगों ने अपनी विचारों की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने का काम किया है वो अद्भुत है, और इस तरीके का विचारों को आगे बढ़ाने का या सूचनाओं को आदान प्रदान करने का या समाज में एक दूसरे से बातचीत या वार्तालाप करने का जो पूरा एक परिप्रेक्ष्य पैदा हुआ है वो अद्भुत है, ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है और दुनिया ने कभी इस तरीके की बातें देखी नहीं थी। तो उस संदर्भ में अगर हम इस सरकार के कदम को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार का ये कदम, अंग्रेजी का एक शब्द है कि जो आर्केक है एक तरीके से, क्योंकि जब प्रिंट मीडिया हुआ करता था, जब समाचार अखबार आए थे और उनको जिस तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश होती थी या फिर जिस तरीके से टेलीविजन, ये वो समय था जब टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा प्रसार नहीं हुआ था और उस वक्त जो सरकारें थी भारत के अंदर विशेष तौर पर एक समाजवादी चिंतन था, तो समाजवादी चिंतन में स्टेट का कंट्रोल जो है वो समाज के हर तबके के ऊपर माना जाता था, चाहे वो अर्थव्यवस्था का मसला हो, चाहे बाजार का मसला हो, चाहे सूचना प्रसारण का मसला हो, सब जगह किया जाता था। अब सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में बिल्कुल नया मीडिया है, डिजिटल स्पेस पूरी तरीके से बिल्कुल नया है और ये अनप्रेसिडेंटेड है, तो क्या इसको भी आप अखबार और टेलीविजन के समय की मानसिकता के तहत आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, रेगुलेट करना चाहते हैं? ये अपने आप एक बड़ा सवाल है और इस सवाल पर हम सब लोगों को चिंता भी करनी चाहिए और चिंतन भी होना चाहिए। जो दूसरा सवाल यह है कि एक तर्क यह दिया जा सकता है, क्योंकि अखबार और टेलीविजन में जो न्यूज चैनल्स हैं या जो न्यूज प्रसारण करते हैं उन पर एक तरीके का रेगुलेशन है, तो जो डिजिटल स्पेस में जो डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कंट्रोल करने या रेगुलेट करने की जरूरत क्यों नहीं पड़नी चाहिए? मेरा अपना मानना है कि इनको रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है। मेरा यह भी मानना है कि अखबारों को, टीवी चैनल्स को भी रेगुलेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि समाचार और विचारों की जो स्वतंत्रता है इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे इकोसिस्टम में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे कानून है, आप उस पर स्वच्छंद नहीं हो सकते हैं, आप उस पर अपने मनमानी नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर कोई आदमी किसी के अवमानना का कानून है, अगर कोई क्रिमिनल एक्ट करता है तो उसका भी कानून है, अगर आप अपने समाचार माध्यम के जरिए अगर आप समाज के बीच में सौहार्द बिगाड़ते हैं तो उसको भी हैंडल करने के लिए कानून है, तो वो एक ऐसे रेगुलेटेड एटमॉस्फेयर में काम करता है। ऐसे में INB मिनिस्ट्री अगर अलग से कोई कानून लेके आती है तो या नोटिफिकेशन करती है या कदम उठाती है तो वो हमेशा शक के दायरे में होंगे और ये लगेगा कि सरकार जानबूझकर इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब जब एक तरह से सूचनाओं का
भरमार है, एक चैनल नहीं है, एक जगह नहीं है, एक माध्यम नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अपनी जगह अलग है, ट्विटर अलग है, और बाकी और जितने वेबसाइट्स हैं वो अलग अलग अपने तरीके से काम कर रही हैं। लेकिन ये बात सही है कि हो सकता है कि अधिकतर उसमें सही काम कर रहे हो, लेकिन बाकी सब लोग सब जगह, चाहे व्हाट्सएप में हो चाहे बाकी अन्य माध्यमों में हो, एक विशेष राय के तहत, विशेष इंगित करते हुए तहत में काम किया जाता है, जो कभी कभी ऐसा लगता है, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कभी कभी ऐसा लगता है कि समाज के हित में नहीं है, और खासतौर से जिस समाज में हम रहते हैं। दंगा उसकी वजह से हो जाता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वजह से दंगा। आप एक अलग तरीके के लेखों और राय भड़कानों से हो जाता है, तो क्या वो जितनी बातें हैं उनका कोई अर्थ नहीं है, या ये कि इसको अपने आप फिल्टर होने दिया जाए, सही को सही, गलत को गलत, लोग अपने आप समय पे समझ जाएंगे। कई बार तो कोविड को लेकर के ऐसा हुआ है कि कोविड को लेकर के ऐसी ऐसी जानकारी आई हैं जिसमें कहा कि साहब, उन्होंने साहब आप घंटा बजाइए तो ठीक हो जाएगा, या आप कह दीजिए कि साहब आप फलां की पत्ती रख दीजिए तो ठीक हो जाएगा। मैं जान रहा हूं आप किस बात पे हंस रहे हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसी चीजें आई हैं जिसका कोई बहुत वैज्ञानिक आधार नहीं है, और कोविड में तो विज्ञान का वैज्ञानिक आधार चरमरा गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, ये एक एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है। भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है, क्यों की गई है, ये बताने का प्रयास किया गया। दरअसल जो डिजिटल स्पेस में लोग हैं वो पूरी तरीके से अनरेस्ट्रेंड हो गए हैं, इनके ऊपर किसी तरीके का कोई नियंत्रण है नहीं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जब आपने देखा था, ये जब ये एक मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया था एक सुदर्शन चैनल वाला, सुदर्शन टीवी चैनल के माध्यम से, तो जिस ब्लेटेंट तरीके से वहां समाज के एक तबके के खिलाफ खबर दिखा के उनके खिलाफ एक भ्रामक माहौल पैदा करने की कोशिश की गई, बल्कि मैं तो ये कहूंगा एक नफरत का वातावरण उस समाज के खिलाफ बताने की कोशिश की गई थी, तो उस पर पूरे देश के अंदर एक एक क्रोध, एक आक्रोश हुआ था, और लोगों ने एक सवाल पैदा किया था कि क्या किसी चैनल को इस तरीके से किसी समाज विशेष के खिलाफ नफरत का वातावरण बनाने की इजाजत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। तो ये तो उस वक्त हो रहा था जब टेलीविजन चैनल्स को आईएनबी मिनिस्ट्री रेगुलेट करती थी। आईएनबी मिनिस्ट्री ने उस पर किसी तरीके का नियंत्रण करने की कोशिश नहीं की, ना उसको किसी तरीके से बताने की कोशिश की कि आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आईएनबी मिनिस्ट्री की गाइडलाइन के हिसाब से बहुत क्लियर कट है कि आप एक समाज के खिलाफ नफरत का वातावरण नहीं फैला सकते या भ्रामक खबरें नहीं फैला सकते हैं। अगर कोई करता है तो उनका लाइसेंस भी रद्द कर सकते हैं, उनका प्रसारण भी रोक सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि आईएनबी मिनिस्ट्री ने कोई कोशिश नहीं की। जिस तरीके से आपने देखा कि मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से, सरकार के जो सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि दरअसल टीवी को रेगुलेट करने से ज्यादा जरूरी है कि हम जो है वो डिजिटल स्पेस को रेगुलेट करें, और यहां तक कहा कि डिजिटल स्पेस इतना खतरनाक हो गया है कि इसमें आतंकवाद तक की भी गुंजाइश है। मैं ये नहीं कहता हूं कि डिजिटल स्पेस का इस्तेमाल आतंकवादी नहीं करते हैं, लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। आज की तारीख में जो टीवी चैनल्स का हाल वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। एक जमाना था जब टीवी चैनल्स में तमाम तरीके के सांप छछुंदर बिच्छू चला करते थे, और उसकी वजह से टीवी चैनल की खूब आलोचना भी हो गई, लेकिन उसकी वजह से समाज के अंदर नफरत का वातावरण नहीं पैदा होता था, उसकी वजह से समाज के अंदर हिंसा का वातावरण नहीं पैदा होता था, उसकी वजह से समाज के एक तबके के अंदर आतंक और भय का वातावरण नहीं पैदा किया जाता था। आज टीवी चैनल्स पर समाज के एक तबके को लेकर और सरकार की वाहवाही में दिन रात गुणगान होता है। अब सवाल यह उठता है कि जब खुलेआम इस तरीके से नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है तो टीवी को भी रेगुलेट करने की जरूरत है, होना चाहिए, ये एक सवाल खड़ा होता है। मेरा ये कहना ये है कि डिजिटल स्पेस के अंदर जो इस वक्त का की दुनिया है, उस दुनिया को आप रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। आप क्या फेसबुक को रेगुलेट कर सकते हैं? क्या आप ट्विटर को रेगुलेट कर सकते हैं? क्या इंस्टाग्राम को रेगुलेट कर सकते हैं? क्या व्हाट्सएप को रेगुलेट कर सकते हैं? व्हाट्सएप एक ऐसा माध्यम जिसमें सुबह से शाम तक सिर्फ नफरत ही फैलाई जाती है, और एक समाज के खिलाफ खासतौर पर नफरत फैलाई जाती है, उसको रेगुलेट कर सकते हैं क्या? लेकिन वैसा सरकार नहीं करती है। तो मेरा बुनियादी सवाल यह है कि सरकार की मंशा पर सवाल है, क्योंकि ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं ये किस विचारधारा के हैं और किसके इशारे पर करें, ये सबको मालूम है, लेकिन उनको रेगुलेट नहीं किया जाता है।
मेरा मेरा दूसरा सवाल है, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट में सुदर्शन टीवी वाला मामला गया और सुदर्शन टीवी वाले ने जब कोर्ट ने बहुत कड़ी उसकी निंदा की और कहा आप समाज में इस तरीके से भड़काऊ चीजें नहीं भड़का सकते हैं बैठ करके, तो उसने उसके वकीलों ने ये तक कह दिया कि आपको जो करना वो कर लीजिए, हम तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चला देंगे। तो यहाँ तो हाथ पैर बंद गए ना, सरकार के भी बंद गए, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती थी उसमें, तो उनको तो क्या है। अब आप आज ये बताइए ना, यूट्यूब पे आप कहां से नियंत्रण कर लेंगे? अगर मान लीजिए कुछ संस्थाओं पर या कुछ उस पर को बुला करके फेसबुक पे और बाकी पे थोड़ा बहुत किया भी जा सकता हो, लेकिन ट्विटर में तो आपने अपना किया और धड़ से डाल दिया, आप ये तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उस पे है, आपका कहीं उसमें जोर नहीं चलने वाला है, तो कहां से नियंत्रण हो जाएगा। तो ये बात सही है, जो समाज में इस समय भड़काऊ काम हो रहे हैं उसको रोकने की बहुत बड़ी जरूरत है ताकि समाज का जो हमारा ताना बाना है वो ठीक ठाक रहे, लेकिन कैसे नियंत्रण होगा? क्या वही सिर्फ सवाल है कि सिर्फ सेल्फ चर्निंग से होगा, कैसे होगा ये? देखिए आकू जी, जब ये सुदर्शन टीवी वाला मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया था तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हम प्री सेंसरशिप के पक्ष में नहीं है और ये आईएनबी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि कंटेंट उसका कैसा। हम सारे लोग मीडिया जगत से हैं, हम सारे लोग क्रिएटिव फील्ड से हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी तरीके की प्री सेंसरशिप हो, बिल्कुल नहीं चाहेंगे प्री सेंसरशिप हो। लेकिन जो ये तर्क देते हैं कि सोशल मीडिया पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते, ट्विटर पर कुछ, आज ट्विटर पर अगर आप एक ट्वीट डालें और वो ट्वीट अगर समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम करता है तो सरकारें आपको गिरफ्तार भी कर रही है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आप महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, बाकी कई कई लाख, यहाँ तक कि जब मोदी जी की सरकार नहीं है तो उसके पहले भी आपने देखा था कि जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त भी कई ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई, उनको जेल की हवा खानी पड़ी। तो इस देश का कानून बिल्कुल स्पष्ट है, वो ये नहीं कहता कि आप जो है वो आपको टीवी पर नफरत फैलाने की इजाजत नहीं, अखबार में नफरत फैलाने की इजाजत नहीं है और आपको डिजिटल स्पेस फैलाने की इजाजत है। वो साफ तौर पे कहता है कि समाज के अंदर नफरत अगर कोई आदमी फैलाता है, हिंसा के लिए अगर किसी को उकसाता है तो हिंदुस्तान का कानून स्पष्ट है, उसके तहत कार्रवाई होगी। उनके तहत चाहे आप टीवी चैनल पे हो, चाहे आप डिजिटल स्पेस में हो, चाहे और आप अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं यही कह रहा हूं कि आज नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, आज आपको चीजों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि इस प्लेटफॉर्म और जो लोग नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये कि सरकार डिजिटल स्पेस को लेकर इतनी संवेदनशील क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण यह, खासतौर पर न्यूज चैनल्स को लेकर, क्योंकि न्यूज चैनल्स पर आज सरकार का परोक्ष अपरोक्ष रूप से पूरी तरीके से कंट्रोल है। वहां पे वही नैरेटिव चलता है जो सरकार चाहती है, इक्का दुक्का छोड़ के, इक्का दुक्का एंकरों को छोड़ दिए बात बिल्कुल अलग हो जाती है। लेकिन डिजिटल स्पेस में ऐसे बहुत सारे न्यूज प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हो गए हैं जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो सरकार की भी आलोचना करते हैं, जो विपक्ष की भी आलोचना करते हैं, और जो अगर कांग्रेस अगर कोई गलत काम करती है तो उसकी भी बहुत तीखी आलोचना करते हैं। सरकार को यह लगता है कि डिजिटल स्पेस 2024 तक जब अगला पार्लियामेंट का चुनाव होगा उस वक्त तक शायद ये टीवी चैनल से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, इनकी जो फॉलोइंग है, इनके जो व्यूअर्स है वो बढ़ जाएंगे। वैसे में अगर ये अनियंत्रित रहेंगे, सरकार का अगर नियंत्रण नहीं रहेगा इनके ऊपर, तो फिर ये मनमाने का मतलब ये सरकार की मन मुताबिक नैरेटिव नहीं चलाएंगे, इससे सरकार को डर लगता है। ये एक बड़ा कारण मेरी नजर में समझ में आता है। क्या ये सिर्फ सरकार को, मतलब सरकार को अपने मन मुताबिक सामग्री देने के की दिशा में आप कदम मानते हैं या सचमुच कुछ और भी इसके लाभ हो सकते हैं? देखिए हर चीज के प्लस माइनस होते हैं। मैं ये कहता हूं कि कुछ ऐसे बहुत सारे इंटरनेट चैनल्स हैं, डिजिटल चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां खुलेआम नफरत फैलाई जाती है। आप अगर गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, मुझे उनके नाम देने की जरूरत नहीं, और बहुत पॉपुलर है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त है, उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको याद होगा कर्नाटक के अंदर एक वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उसके संपादक के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, पूरी सरकार उसके पक्ष में आ गई थी। अभी
एक टीवी चैनल के संपादक के खिलाफ कार्रवाई हुई है और रक्षा मंत्री से लेकर सारे छोटे मोटे प्रवक्ता उनके पक्ष में ऐसे कूद पड़े जैसे कि लगता है कि वो हिंदुस्तान के सबसे ईमानदार पत्रकार है। जब इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक साथ कई पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई होती है, द वायर के संपादक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, तब इनमें से कोई भी मंत्री कोई भी नेता उनके पक्ष में खड़ा नहीं होता, तब कोई ये नहीं कहता कि पत्रकारिता के बुनियादी मूल्यों का हनन हो रहा, उसको दबाया जा रहा। तो मैं कहता हूं कि सरकारें, चाहे वो मोदी की सरकार हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे की सरकार हो, चाहे वो किसी की सरकार हो, सरकारों का अपना काम करने का तरीका होता है। कुछ सरकारें कुछ ज्यादा दमनकारी चीजों का इस्तेमाल करती हैं और कुछ सरकारें जानबूझ के पक्षपात करती हैं। मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं, मौजूदा जानबूझकर पत्रकारों के बीच में भेद करती है, जो सरकार की बातों को आगे बढ़ाते हैं, सरकार के पक्ष में नैरेटिव क्रिएट करते हैं, वो नफरत का वातावरण पैदा करें। प्रधानमंत्री जी उनको फॉलो करते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन अगर कोई जरा से भी आलोचना करता है, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहा है, तो फौरन उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, डिफेमेशन के केस हो जाते हैं। विनोद दुआ का उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट है आपके सामने। तो विनोद दुआ और अर्णब गोस्वामी, इन दोनों केसेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सरकार की मंशा स्पष्ट नजर आएगी। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके के कानून जो सरकार विरोधी, तथाकथित सरकार विरोधी, जो सरकार के पक्ष में काम नहीं करते हैं पत्रकार, उनके खिलाफ ज्यादा होगी या उनपे डर का एक माहौल होगा? देखिए, आपने एक तलवार तो लटका ही दी ना। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है, आप कार्रवाई करें या ना करें, आपके गर्दन पर हमेशा एक तलवार लटकी रहती है कि यार कभी भी हमारी वेबसाइट को ये बंद कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट को वो कर सकते हैं। तो और ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, बशर्ते कि आप कार्रवाई कर दें तो बिल्कुल अलग चीज हो जाती है। लेकिन अगर आपके सिर पर हमेशा तलवार लटकी रहे कि अगर आपने सरकार के खिलाफ कोई चीज लिखी, सरकार के खिलाफ कोई चीज कही, तो आपके वेबसाइट पर को बंद किया जा सकता है, सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, ज्यादा प्रभावशाली तरीके से काम करता है। आपको क्या लगता है कि क्या किसी भी तरीके के नियंत्रण की जरूरत है? और अगर है तो मान लीजिए, हम आपको ये मान के चले कि आपसे कहा जाए कि आप उस पर सुझाव दें कि क्या किया जाना चाहिए, किस तरीके से, क्या कोई एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बननी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, उसी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म के, न्यूज प्लेटफॉर्म की एक बॉडी भी बननी चाहिए जहां उस तरीके का सामग्री नहीं जाने पाए जो समाज को तोड़ने वाला हो, समाज के खिलाफ हो, और जो 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 सही चीज सामने रखने वाला हो वो। देखिए, मैं तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हूं इस मामले में, और कंफ्यूज इसलिए आपको लगता होगा कि मैं अमूमन कंफ्यूज नहीं रहता हूं, लेकिन इस सवाल पे मैं कंफ्यूज हूं। कंफ्यूज क्यों? आप देखिए, अखबारों पर नियंत्रण करने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है। क्या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे अखबारों को जो खुलेआम नफरत का माहौल पैदा करते हैं या गलत खबरें छापते हैं उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई कर पाई है? नहीं कार्रवाई कर पाई, उसी कार्रवाई होती नहीं उनके खिलाफ। टीवी चैनल्स के लिए सेल्फ रेगुलेशन है, NBSA, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी। एक जमाने में NBSA की जो चेयरमैनशिप थी वो जस्टिस JS वर्मा के पास थी, और जस्ट जब हम लोग टीवी चैनल्स पे थे, जब मैं संपादक था IBN7 का या आज तक पे था, उस वक्त तक हालत ये थी कि जस्टिस वर्मा की जो कमेटी थी वो ऐसे हम लोगों को कटघरे में खड़ी कर देती थी जब कोई शिकायत आती थी, और हमें बड़ा डर लगता था उनसे कि वर्मा जी के पास आज जाना पड़ेगा और हमें अगर जस्टिफाई नहीं करें तो वर्मा जी बहुत डांट लगाएंगे, हमारे पर फाइन भी कर देंगे, और हमको फाइन देना पड़ता था। लेकिन जब से आप पिछले 5-6 सालों के अंदर वही NBSA है, आप कुछ टीवी चैनल्स का हाल देख रहे हैं, किस तरीके की रिपोर्टिंग हो रही है, किस तरीके की डिबेट्स हो रही है, क्या उसने किसी को नियंत्रित करने की कोशिश की? नहीं कोशिश की। समाज के अंदर एक आउटरेज है इस वक्त, आक्रोश है टीवी चैनल्स के खिलाफ, लोगों के अंदर गुस्सा है टीवी चैनल्स के खिलाफ, लेकिन NBSA बिल्कुल शांत पड़ा हुआ। तो उधर जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का, वो फेल कर गया, या NBSA है ये फेल कर गया, आप कोई भी अथॉरिटी बना लीजिए। तो जब तक इन संस्थाओं के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति ईमानदार नहीं होंगे, मैन ऑफ इंटीग्रिटी नहीं होंगे, तब तक आप किसी तरीके का फ्रेमवर्क बना लीजिए। आज तो लोग सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट है, उसकी बात को सरकार मानने के लिए बाध्य होती है, लेकिन आप देख रहे हैं कुछ मामलों में फौरन सुनवाई हो जाती है, 24 घंटे के अंदर सुनवाई हो जाती है, रिलीफ भी मिल जाती है। अर्णब गोस्वामी का केस आपके सामने है, और विनोद दुआ के मामले में, या जो गाजियाबाद में अभी जिस पत्रकार को पकड़ा गया, 2-2 महीने लोग जेल के अंदर रहते हैं, वहां पर्सनल लिबर्टी की बात नहीं आती है। तो जब इस तरीके का माहौल हो, संवैधानिक संस्थाएं जब इस तरीके से काम कर रही हो, तो आप कोई भी फ्रेमवर्क बना लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।
तो आपको लगता है कि ये एक बेकार की कोशिश है और हाथ पैर मारे जा रहे हैं, इससे कोई बहुत लाभ होना नहीं है, सिर्फ एक डर का जरूर माहौल है? सर, बेकार की कोशिश तो हमको आपको लग सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से ये बहुत ही सोची समझी सुनियोजित तरीके से है। उन तमाम डिजिटल फॉर्म पर नियंत्रण करने के जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो सरकार की तीखी से तीखी आलोचना करते हैं, जो जो सरकार से सवाल पूछते हैं कि भाई एक टीवी चैनल्स के पत्रकारिता की वजह से नहीं, किन्हीं और कारणों से अगर वो जेल जाते हैं तो उन पर सरकारी अमला इतना सजग क्यों रहता है? और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां मैं रहता हूं, वहां कम से कम 15 केसेस ऐसे हैं जहां लोगों को अपनी रिपोर्ट लिखने की वजह से महीनों जेल के अंदर रहना पड़ता है और वहां ये सवाल नहीं खड़े होते हैं। तो ये जब इस तरीके से सरकारों का रवैया होगा तो फिर आप समझ सकते हैं इस कोशिश का मतलब क्या है। इस कोशिश का एकमात्र मतलब ये है कि जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं उनकी गर्दन के ऊपर तलवार लटकाए रखो, उनको डरा के रखो और जब मौका मिले तो उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई। आपने इसे नियंत्रण, आपने एक कमीशन की बात की थी, मेरा यह मानना यह है कि इस तरीके का एक संवैधानिक कमीशन होना चाहिए जिसके हेड में, जिसमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। हर संपादक को नियुक्त करने के समय उसका एक बिल्कुल कार्यकाल होना चाहिए कि अगर आपने संपादक को 3 साल तक नियुक्त कर दिया है तो मालिक चाहे सरकार सिर के बल खड़ी हो जाए लेकिन उसको आप अपने पद से हटा नहीं सकते हैं। अगर आप इस तरीके का कुछ फ्रेमवर्क करेंगे तो शायद कुछ पत्रकारिता बच पाएगी इस देश के अंदर, अन्यथा हर पत्रकार यही रहेगा संपादक कि अगर मैंने कुछ लिख दिया तो कल मालिक मुझे बाहर कर देगा। तो आप अगर आप 3 साल का टर्म करते हैं, 4 साल का करते हैं, 2 साल का करते हैं, भाई आप संपादक नियुक्त करने के पहले तय कर लीजिए आपके मन मुताबिक है कि नहीं है, वो आपके हिसाब से काम करेगा नहीं करेगा, सब कुछ तय कर लीजिए। लेकिन अगर एक बार बन गया तो 3 साल पहले आप उसको हिला नहीं सकते, हटा नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे TRP जमीन में चली जाए, चाहे आसमान में चली जाए। नहीं, ये तो फिर मतलब आप, हम अपनी पत्रकारिता के हिसाब से कह रहे हैं कि टीआरपी का बिजनेस जो है, जहां करोड़ों और रुपए का है, करोड़ों के आप तो अरबों का खेल का है, तो वहां आप काम कोई 3 महीने बाद ही लोगों के सांसें ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे हो जाएं। इस पूरे विवाद में एक रोचक चीज ये भी, जिसको आपने भी उस रोचकता को महसूस किया होगा, जिन एक सज्जन का आप नाम ले रहे हैं जिनकी पत्रकारिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से बाकी सबकी सांसें तो ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हो गई। जो आज अपने आप को कहां से कहां मानते थे वो अब अगले 6 महीने क्या कर पाएंगे, ये तो अल्लाह मियां ही मालिक है। लेकिन खैर, अभी मुझे लग रहा है कि इस पे गहन विश्लेषण का की जरूरत है, लगातार विचार विमर्श की जरूरत है, और जब ये पूरा क्रम होगा तब भी ये शायद ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। हो सकता है कुछ नियम कानून बन भी जाए या ना बने, या विरोध में ना बने, या सरकार को खुद भी ना समझ में आए कि इसमें होना क्या है। तो ये प्रक्रिया लेकिन शायद चलती रहेगी, हम लोगों में विचार के लिए चलती रहेगी, सरकार में अपने तरीके खोजने के लिए चलती रहेगी, और तय बात है तू डाल तो हम पात पत्रकार भी पात करते ही रहे हैं और करते ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, आपको, आप कुछ कहने जा रहे थे, कह दीजिए। नहीं, मैंने कहा ना कि हम कहते हैं कि CBI के डायरेक्टर को प्रोटेक्शन होना चाहिए, संपादक को भी तो प्रोटेक्शन। संपादक एक संवैधानिक संस्था नहीं है, लेकिन अगर उसको अपनी नौकरी की सुरक्षा नहीं होगी, उसको अगर सरकार के दमन से अगर सुरक्षा नहीं होगी तो कितने दिन तक वो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करेगा? वो अपनी जान पर खेलकर ही जर्नलिज्म कर सकता है, अपनी नौकरी गंवा के ही कर सकता है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो उसको भी तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत उसको भी सुरक्षा मिलती रहनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आप संपादक नियुक्त करना चाहते हैं, आप किसी को भी संपादक नियुक्त कर लीजिए, लेकिन अगर एक बार नियुक्त कर दिया तो 3 साल तक के लिए उसको टच मत करें, फिर आप उसको हटा नहीं सकते। लेकिन क्या लगता है ये फिजिबल है? आशुतोष, ये विचार देना तो ठीक है, लेकिन ये फिजिबिलिटी के लेवल पे दुनिया में कहीं मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं इस तरीके की परंपराएं हैं। वो तो ये ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं दुनिया में नहीं तो अपने यहाँ क्यों नहीं हो सकती है, आप कह तो सकते ही हैं, लेकिन ये फिजिबिलिटी आपको नजर आती है, इसकी व्यवहारता नजर आती है क्या? देखिए आकु जी, आप तो खुद संपादक रहे हो, लंबे समय तक आप संपादक रहे हैं, आपका तो लगभग आधा जीवन संपादकी में ही गुजरा हुआ है, संपादक के पद पर रहते हुए गुजरा हुआ है। आप जानते हैं संपादक का पद जो है वो एक बड़ा ही नैतिक दायित्व का पद होता है। ये आपकी नैतिकता, आपकी ईमानदारी पर निर्भर करता है कि आप पत्रकारिता के प्रति सजग है, ईमानदार नहीं है। तो जो बात मैंने आपको शुरू में कही थी, मैं कंफ्यूज हूं इस बात को लेके कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आज आक्षेप लग रहे हों, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कोई मतलब नहीं है, NBSA का कोई मतलब नहीं है, जब बड़े बड़े संस्थानों ने आज सरेंडर कर दिया है तो आप कोई नई संस्था बना लीजिए नियंत्रण के नाम पे, सेल्फ रेगुलेशन के नाम पे, उसका कोई मतलब होगा नहीं।
जब उस संदर्भ में मैंने बात, तब मैंने कहा था कि संपादकों का कार्यकाल तो कम से कम निश्चित कर सकते हैं आप, अगर नहीं कर सकते हैं तो उतना कर दीजिए, आप किसी भी गधे घोड़े को नियुक्त कर दीजिए, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन एक बार नियुक्त कर दिया तो फिर भाई साहब उसको काम कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका कि नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए आपने इतना समय निकाला, शुक्रिया। थैंक यू।